नमस्कार दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं थोड़ा सा। संख्या पद्धति में अपना इन तीसरा पार्ट चल रहा है। दो पार्ट पहले निकल चुके अपने। तीसरे पार्ट में अपन समझ रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपोजिट है इसके। परिमेय संख्या है कि ऐसी संख्या जिसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाली चीज को अंश और नीचे वाली चीज को हर बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी पी बटा क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में अपन लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसको कहने का मतलब जैसे 5 है, अब तुमसे पूछ रहे हैं परिमेय संख्या क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। कहने का मतलब इसके आधार पर अगर अपन देखते हैं तो आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो यानी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सके, विपरीत हो जाएगा भाई। पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी अंश और हर यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते अपन। किसको, अपरिमेय संख्या को। अगर लिख देते हैं तो कौन सी संख्या, फिर वो परिमेय संख्या। लेकिन यहां पर क्यू का मान, इस क्यू का मान नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान, इस क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है, का मान मतलब ये नहीं, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। आप 5 में जीरो का भाग दोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, अनंत आएगा। अगर आप जीरो में 5 का भाग दो, मान लो जीरो में आप किसका भाग दे रहे, 5 का, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो में अगर आप 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन 5 में अगर आप जीरो का भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। तो यानी कि ये अनंत हो जाएगा मामला इसका। तो कहने का मतलब क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आगे पर बात करते हैं, ये जो परिमेय संख्याएं होती है, जैसे यानी कि कोई परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का अंत होता है, अंत होता है किसका, परिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याओं का क्या नहीं होता, अपरिमेय संख्याओं का अंत नहीं होता है, अपरिमेय संख्याओं का अंत नहीं होता है, और परिमेय संख्याओं का क्या होता है, अंत होता है। आगे बात कैसे, जैसे अगर अपन बात करें तो यानी अंत कैसे, जैसे 1/3 है, अपन को पता है यानी कि अंत होता है। अगर आप 1 में 3 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाओगे से, फिर यानी 10 हो जाएंगे, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, तो यानी कि लास्ट में अंत 1 का लास्ट में। कहने का मतलब जैसे आप 12 है, 2/1/5 ये। अब 1 में 5 का भाग दोगे नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाओगे तो कितना, 0, 5, 2, 10, तो अंत हो गया। एक तो ऐसे होता है। दूसरी बात, अगर आप 1 में 3 का भाग दोगे तो समान अंक आ रहे हैं, 3, 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
दशमलव के बाद अगर समान अंक की पुनरावृत्ति होती तो वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर सी बात है, परिमेय संख्याओं का क्या होता है अंत, दशमलव के बाद में समान अंक की पुनरावृत्ति हो क्या कहलाए परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अंत नहीं है तो इसका मतलब रूट पांच अगर रूट तीन अगर, क्योंकि ऐसी संख्या जिनका कोई अंत ही नहीं है ऐसी संख्या, तो देख के पहचान जा रहा है कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। क्लियर सी बात है, ऐसे अगर जैसे पूछ ले रूट सात तो इनका क्या है अंत नहीं है, कहने का मतलब इसका कोई वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इनकी कौन सी हो जाती है संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं परिमेय संख्या की ओर, जैसे एक तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये भी यानी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्या क्या होती है परिमेय संख्या होती है। क्लियर सी बात है। दूसरी बात करें जैसे यानी पांच बटे पंद्रह, पूछ ले कि यानी कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंश और ये हर कटना नहीं चाहिए,
ऐसे अगर कट जाते हैं तो वो कौन सी संख्या नहीं है, फिर परिमेय संख्या नहीं है, क्लियर सी बात है। और उसको अपन लिख ही नहीं सकते इसे, तो अंश बटा हर के रूप में अपन नहीं लिख सकते, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्लियर सी बात है। बाकी नहीं, इतना ही। अगर ये तो परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगी। अब आप आगे बात करते हैं, देखिए एक पूछ लेता है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, और एक पूछ लेता है अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, पूर्व का मतलब तो यानी कि जैसे पहले वाली संख्या, और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद वाली संख्या। पूर्व का मतलब पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या, और अनुवर्ती का मतलब बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा बता यानी कि 58 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 58 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, कौन सी पूछ ले क्वेश्चन, मान ले सकते क्वेश्चन आ जाए 58 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्या, 58 से जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है, 57, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती। ऐसे पूछ ले तो बता ही दोगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले जैसे मान लो 58 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है, कौन सी है, कौन सी, अनुवृत्ति, अनुवृत्ति, अनुवृत्ति। अब अनुवृत्ति, ये रहा अनुवृत्ति, कौन सी संख्या, बाद वाली संख्या, 58 के बाद वाली संख्या कौन सी, 59, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अनुवृत्ति संख्या हो जाएगी, क्लियर सी बात है। हाँ तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, यानी कि घंटी वाला बटन दबा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।